हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्म दुबे और आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। टीवी जगत के सुपरस्टार अभिनेता शरद मल्होत्रा का अंदाज इस बार थोड़ा हटकर दिखा। जी हां, शरद मल्होत्रा न केवल मॉडलिंग करते हुए नजर आए बल्कि जज बनकर मॉडल्स का हौसला भी बढ़ाया है। मौका था राजस्थान निकोस टॉप मॉडल 2019 का। ये एक ऐसा मंच है जहाँ युवा अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। इस इवेंट को लेकर शरद मल्होत्रा कहते हैं, डिजाइनर सुमित दास गुप्ता और एक्टर शिवेंद्र सिंह राजपूत के लिए वो यहां आए और वो चाहते हैं कि ऐसे शो का आयोजन हमेशा सुमित दास गुप्ता करें ताकि राजस्थान का टैलेंट बाहर निकले और नाम करे। बता दें कि शो के मॉडल्स के कपड़े ओम नमः शिवाय प्रोडक्शन के फाउंडर सुमित दास गुप्ता ने डिजाइन किए हैं। शो के डायरेक्टर हैं आयुष गुप्ता, जबकि इस शो का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया था। बिग बॉस 12 की विनर दीपिका कक्कर की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से दीपिका की एक तस्वीर भी तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन अब मिल रही जानकारी के मुताबिक दीपिका काफी हद तक स्वस्थ हो चुकी हैं और जल्द ही काम पर लौट सकती हैं। बता दें कि दीपिका कक्कर कहां हम कहां तुम सीरियल में लीड किरदार निभा रही हैं। इस शो में दीपिका का नाम सोनाक्षी रस्तोगी है। हमेशा ही काम में व्यस्त होने के कारण दीपिका को आराम करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। नवरात्रि उत्सव शुरू हो चुका है। देश के कोने कोने में लोग देवी की अर्चना पूजा करने के साथ साथ गरबा और डांडिया भी खेलने में जुट चुके हैं। ऐसे में भला टीवी के स्टार कहां पीछे रह सकते हैं। हम यहां पारितोष त्रिपाठी, सिमरन खन्ना और इशिता गांगुली जैसे टेलीविजन सितारों की बात कर रहे हैं, जिसमें से पारितोष कहते हैं, मैं बचपन से नवरात्रि मनाता आ रहा हूं। इन दिनों मैं देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करता हूं। इस बार नवरात्रि को मैं शूटिंग कर रहा हूं, इसलिए इस बार ऐसा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं हमेशा नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखता हूं। सिमरन ने कहा, मैं 9 दिनों का उपवास करूंगी। अधिकतर समय मैं हर रोज 12 घंटे शूटिंग करती हूं और ऐसी स्थिति में 9 दिनों का व्रत रखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं निश्चिंत हूं कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये आराम से होगा। तो वहीं इशिता ने इस बारे में कहा, मैं कोलकाता से हूं, जिसे दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। मैं अपने घर पर 9 दिनों के पूजन विधि और रीतियों का पालन करती हूं और अष्टमी के दिन मैं और मेरी माँ एक दुर्गा पूजा पंडाल में घूमने जाते हैं और वहां हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं, साथ ही मिलकर पूजा भी करते हैं। सामान्यतः मैं दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता जाती हूं, लेकिन इस साल मैं अपने शो जग जननी माता वैष्णो देवी की कहानी माता रानी की के चलते व्यस्त हूं। एकता कपूर का फेमस शो नागिन का सीजन 4 जल्द ही ऑन एयर किया जाने वाला है। वैसे आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस शो का टीजर रिलीज कर दिया गया है। नागिन 4 की नागिन कौन होगी, इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये नागिन बहुत ही ज्यादा डरावनी होगी, ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने नागिन 4 का टीजर जो देखा है। जी हाँ, इस बार ऐसी नागिनों की कहानी दिखाई जाएगी जो कि किस्मत की वजह से एक दूसरे के साथ रहेंगी। बता दें कि नागिन के पहले और दूसरे सीजन में मौनी रॉय ने नागिन का रोल किया था, जबकि तीसरे सीजन में सुरभि ज्योति नागिन की भूमिका में थी और अब नागिन 4 की नागिन के लिए एकता कपूर की खोज जारी है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के शो में प्रियंका चोपड़ा पहुंची हुई है अपनी आगामी फिल्म स्काई इज पिंक का प्रमोशन करने के लिए। दरअसल कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रियंका चोपड़ा कपिल को एक हॉलीडे स्कीम ऑफर कर रही हैं। प्रियंका कपिल से कहती हैं, 2 करोड़ का चेक या मालदीव में 6 हॉट लड़कियों के साथ हॉलीडे, इन दोनों में से क्या चुनेंगे आप? जवाब में कपिल शर्मा ने कहा, मैं 2 करोड़ रुपए चुनूंगा क्योंकि सेम इसी पैकेज में 60,000 रुपए खर्च करके मैं बाकी लड़कियों को अरेंज कर सकता हूँ। दोस्तों, आप तो जानते हैं इस तरह के सवाल के कपिल शर्मा के पास हाजिर जवाब होते हैं। वैसे मस्ती भरा ये एपिसोड आप देखने वाले हैं अपकमिंग वीकेंड में। तो ये थी टीवी जगत से आज की टॉप 5 न्यूज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहें हिंदी रश।